फिरोजाबाद कोरोना कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिलाधिकारी ने कहा, कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे सभी कर्मचारियों की होगी जांच, किए जाएंगे क्वारंटाइन। जिले के एक अखबार के पत्रकार की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान फिरोजाबाद NIC रूम में मौजूद था पत्रकार। फिरोजाबाद में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कल देर रात 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस दौरान फिरोजाबाद कोरोना कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिसके चलते जिलाधिकारी ने सभी को क्वारंटाइन में भेजे जाने का आदेश जारी किया। इस दौरान एक पत्रकार भी कोरोना की चपेट में आ गया। वह कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान NIC रूम में मौजूद रहा था। फिलहाल सभी की जांच कराई जा रही है। फिरोजाबाद में कोरोना का आंकड़ा 37 तक पहुंच गया है। सुना है कि मुख्यालय का भी एक कर्मचारी इसमें कोरोना पॉजिटिव आया है। देखिए, हम लोगों ने आज यहां पे आके रिव्यू किया है हेल्थ टीम के साथ और प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ, और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और जो हमारे प्राइमरी और टर्शरी कॉन्टैक्ट है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है, उन पे गहनता से उनकी जल्दी से सैंपलिंग हो और रिजल्ट आए, इस पे जोर दिया है। और जो भी हमारे पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली करा रहे हैं, सर्विलेंस करा रहे हैं। जितने एपी सेंटर्स बने हैं उनकी हम लोग सर्वे करा के मुतमईन होने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई केस ऐसा नहीं है, और जो भी केस आएगा उसकी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। नहीं, आपकी जो इस समय जानकारी में होगा, सभी उच्च अधिकारी अभी इस समय हैं जनपद के, तो एक एक कर्मचारी आया है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? उसकी नॉलेज में है और उसका भी हम लोग जो कॉन्टैक्ट्स में है उनकी ट्रेसिंग करा रहे हैं। कितने लोगों की सर लगभग होगी? भाई, वो तो आज हम करा रहे हैं, उसकी 5-6 हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए हैं, लेकिन हम डिटेल में कराएंगे ना, ऐसे हम आपको टुकड़ों में थोड़ी बता सकते हैं कोई चीज़। सर, एक अफवाहों का दौर है, आप जिले के लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि किसी अफवाह में ना पड़े, और अगर कोई पॉजिटिव अपने आप को पाता है तो सिटी मजिस्ट्रेट से या प्रशासनिक अधिकारी से वो संपर्क। देखिए, इसके लिए तो हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं और जिले स्तर के अधिकारियों ने भी अपील करी, और मैं इसमें आपका सहयोग चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये जनता तक, जनमानस तक ये संदेश पहुँचे कि इस कोरोना वायरस से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। हमें अपने जो भी कोई, अगर हमें दिक्कत है या हमारे जो ट्रैवल प्लान है या जहां हम जिनसे मिले वो बताने की आवश्यकता है। उससे ये फ़ायदा होगा, उससे एक तो हम लोग जो कंसर्न व्यक्ति है वो अपने आप को सुरक्षित करेगा, अपने परिवार को सुरक्षित करेगा और समाज को भी सुरक्षित करेगा, अपना समाज में वो योगदान देगा। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसमें अफवाहों में ना आए और प्रशासन का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग करें। एक एक सर, यहाँ लेबर क्लास ज़्यादा है, एक भ्रांति ये है कि अगर वो गया और पॉजिटिव आ गया तो उसको जस्ट लाइक ये जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए लोग सामने आने से थोड़ा घबरा रहे हैं। नहीं, ये जेल में डालने वाली बात तो है नहीं, तो क्वारंटाइन फैसिलिटी में अगर आवश्यकता पड़ती तब रखा जाता है, तो वही हम लोग करेंगे, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू।